हाय गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। जैसे कि अभी आप देख सकते हैं कि आज बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है। लगातार चार दिनों से बारिश हो रही है। हम तो पागल ही हुए जा रहे हैं, क्या करें समझ में नहीं आ रहा। अभी भी मैंने गूगल पे जाकर देखा तो 3 दिन तक लगातार अभी भी बारिश बता रहा है। अनफॉर्चुनेटली अब हम लोग क्या करें, अब तो घर पर रहना पड़ेगा। चलिए दोस्तों, चलिए आप लोगों के साथ मैं आज कुछ बातें शेयर करना चाहता हूँ। गाइस, आपको जान के ये खुशी होगी कि मैं झारखंड का रहने वाला हूँ और आज आप लोगों के साथ कुछ बातें शेयर करने वाला हूँ। जैसे कि आप जानते हैं कि अभी तो कोविड का सिचुएशन चल रहा है, वैसे भी हम लोग मास्क तो नहीं लगा रहे हैं, बट क्या करें, पहला डोज तो सेकंड डोज तो ले ही लिया है और घर पे रह रहे हैं। चलिए आपको कुछ और बातें बताते हैं। देखिए, मैं जो हूँ ना, एक मिडिल क्लास फैमिली से आता हूँ और आप देख सकते हैं कि मैं कहाँ रहता हूँ, मैं क्वार्टर में रहता हूँ। इधर जो है ना, सिर्फ क्वार्टर ही क्वार्टर है। चलिए मैं आपको अपने होम टूर, यानी मेरा तो यही घर है, अपने क्वार्टर का परिचय करवा देता हूँ। चलिए आपको दिखाता हूँ कि क्या क्या है मेरे इस रूम पे। तो गाइस, आप देख सकते हैं, ये मेरा बेड है, यहाँ पर मैं सोता हूँ। और ये देख लीजिए, मेरा पर्सनल टेबल है। ये देख सकते हैं आप, ये है मेरा सैनिटाइज़र। ये बल्ब है, क्योंकि बाहर वाला बल्ब जो है ना वो फ्यूज हो गया, तो नया बल्ब ले आया मैं। और इतनी सारी मैं पेंस रखा हूँ, क्योंकि मेरे को पेंस की काफ़ी ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है। और जो आप देख रहे हैं ना कार्ड्स, ये जो है ना आते रहता है घर पर, बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो ये कलेक्ट करके एक जगह रखना पड़ता है मेरे को। ऊपर भी आप देख सकते हैं कि कार्ड्स रखे हुए हैं। देखिए, ये क्वार्टर है, इसलिए दोस्तों आप देख सकते हैं गाइस कि वो सारा तार भी आपको नज़र आ रहा होगा। और ये पापा को मिला था DVC की तरफ से। और गाइस, आप देख सकते हैं, मुझे ये जो फीचर आप देख रहे हैं ना हॉर्स वाला, मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। और बगल में देखिए हाउस है, इसका जो डिज़ाइन है, आर्किटेक्चर जो बना हुआ है, बहुत ही अच्छा बना हुआ है, मुझे काफ़ी अच्छा, ज़्यादा अच्छा लगता है। देखिए, बतख नीचे तैर रहे हैं, हॉर्स रनिंग मोड में है, लिखा हुआ भी है गुड लक इज़ द रिजल्ट ऑफ गुड प्लानिंग। मुझे सुबह उठ के इनको देखने में काफ़ी अच्छा लगता है। ये मेरा कीबोर्ड, सिस्टम ख़राब है बट कीबोर्ड तो अभी अवेलेबल है मेरे पास। इसका मैं उपयोग तो नहीं करता, बट मम्मी इसका इस्तेमाल ज़रूर करती है, बट मैं इसका इस्तेमाल नहीं करता, क्योंकि मुझे ये सब शौक ही नहीं है। ये मेरा बोतल, जब मैं प्यासा रहता हूँ तो ये पानी पीता हूँ। ये आप जो देख रहे हैं ना, ये है मॉस्किटो बैट। एक्चुअली जो है ना, हम लोगों का जो क्वार्टर में है, बहुत ज़्यादा मच्छरों की संख्या होती है, तो इसको मारने के लिए ना ये मॉस्किटो बैट का इस्तेमाल किया जाता है। क्या करें, मच्छर काटता है, बहुत सारे उपाय ढूंढते हैं बट प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है, तो मच्छर इसको लगे बैठ जाते हैं और मच्छर को मारते रहो। तो गाइज, आपने देखा, ये मेरा चेयर है और मैं मिलाता हूँ आपसे मेरे धन्नो से। और ये देखिए, मेरा धन्नो है धन्नो, ये मेरा बेस्ट स्कूटर इन द वर्ल्ड, ये मेरा धन्नो है, देख लीजिए। देखिए BR17 ही लिखा हुआ है, 9338 भाई, ये 1995 का गाड़ी है, लेकिन अभी भी चलती है तो रोड पकड़ती है ना, तो सबको पीछे छोड़ देती है। माइलेज इसके बारे में आपको बताता हूँ कि इसमें जो हेडलैम्प्स आप देख रहे हैं ना, LED हेडलैम्प्स तो नहीं लगा हुआ है, बट माइलेज अच्छा देती है। और ये सिंपल जो फॉग लैंप आती है वही लगा हुआ है। माइलेज जो है इसका 35 के आसपास माइलेज है, 32-35 के आसपास है। ये देखिए गाइस, और ये मेरा छोटा सा, ये मैंने ख़रीदा था ये साइकिल 2009 में, और अभी भी चल रही है, आप देख सकते हैं 11 साल हो ही गया लमसम, ऊपर ही हो रही है। गाइज, अब आगे चलते हैं और आपको दिखाते हैं अगला रूम। ये देखिए मेरा गैस चूल्हा, यहाँ पे गैस जलता है। ये देखिए बर्तन रखने वाला, अभी इसमें तो उतना कुछ सामान रखा हुआ नहीं है, बट है बहुत कुछ है। ये है मेरा बड़ा सा पंखा, आप देख सकते हैं, ये मेरा बड़ा पंखा है, चलता है ना, तो चलता ही है। ये देख लीजिए, मेरा घड़ी वहाँ लगा हुआ है,
किसी ने मुझे बर्थडे में गिफ्ट किया था, आप देख सकते हैं। यहाँ मेरे सारे बहुत सारे बुक्स रखे हुए हैं, आप देख सकते हैं। ये मेरा आंगन है, आप देखिए। बहुत ही ज़्यादा क्राउड है इधर कि ये आंगन देख सकते हैं आप भाई। बारिश का मौसम है, बारिश तो हो रही है दमादम दमादम, रुकने का नाम ही नहीं ले रही है, देख सकते हैं आप। क्या करें भाई, सब देख सकते हैं। मैं भी इधर ही हूँ, बारिश में भीग भी नहीं सकता ना मैं, क्या करें। भीगने का शौक भी नहीं है, भीग जाऊँगा तो तबीयत ख़राब हो सकता है, इसलिए बारिश में नहीं भीग सकते हैं हम। तो चलते हैं अंदर। तो गाइज आप लोगों ने देखा मेरे घर का सारी फीचर्स तो देख लिए आप लोगों ने, मैंने घर का टूर तो आप लोगों को करा दिया। नेक्स्ट टाइम अगला बार में क्या होगा कि बाहर जाएंगे और घूमेंगे फिरेंगे, और भी सारे क्वार्टर हैं वो मैं आपको दिखाऊंगा। तब तक के लिए अगर आपको मेरे तब तक के लिए ब्लॉग में यही एंड करता हूँ। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ लाइक करें सब्सक्राइब करें और दोस्तों पर शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।